हम खुद के लिए सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पति के लिए सजा जाए, हम अपनी खुशी के लिए तैयार होते हैं। मेरे लिए सावन खास है, बारिश का मौसम, रोमांटिक वेदर, ग्रीन साड़ी, ग्रीन चूड़ियाँ, मेकअप शेकअप, आई लव सावन, बहुत पसंद है मुझे सावन। आज हम लोग जो तैयार भी हुए हैं, सब कोई अपने स्पेशल के लिए हुए हैं। जैसे मन माना चे मोर, मोहब्बत बरसा देना तुम, कि सावन आया है तेरी और मेरी मिलने का, ये मौसम आया। सावन श्रृंगार भी, सावन हरियाली है, सावन सौंदर्य भी। सावन के कितने रूप हैं ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हर किसी के लिए सावन के अपने मायने हैं। किसी को आसमान से बरसती बारिश की बूंदें अच्छी लगती हैं, तो किसी को सावन के महीने में हाथों पे रचने वाली नहीं। सावन के ऐसे ही एक रूप को आज देखने और उसमें शामिल होने लाइव इंडियन गार्ड की टीम पहुंच चुकी है सुभद्रा विवाह वाटिका में। नमस्कार, मैं केतकी लाइव इंडियन गार्ड से। आज मेरे कहने का दिन कम और सावन महोत्सव में महिलाओं को देखने और उनको सुनने का दिन ज़्यादा है। लाइव इंडियन गार्ड की टीम के साथ आज आप बनिए इस सावन महोत्सव का हिस्सा। की टीम पहुंच गई है वर्णमाल महिला मंच सती द्वारा ऑर्गेनाइज्ड सावन महोत्सव में।
देखने के बाद हम बात करते हैं सावन महोत्सव को ऑर्गेनाइज करने वाली टीम से। आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार मैडम। मैडम, कोविड का दौर था, उस दौरान सावन में लगा ही नहीं कि सावन का महीना है, उसके बाद ऐसी और फिर से ऐसे किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया आपने, इस बारे में आपकी क्या राय है? कोविड के कारण हम लोग मिलना जुलना एकदम बंद था, हम लोग एकदम एक दूसरे से मिलने में भी डरते थे, और जब माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अच्छे से एक सावन महोत्सव का आयोजन किया जाए, जिसमें हम सभी महिलाएं घर से बाहर निकलकर एक साथ एंजॉय करें। इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा कि हरियाली सावन आई हुई है, और संजोग से आज बारिश भी हो रही है, तो क्या बोले, आनंद दोगुना हम लोग का हो गया। हम सारी महिलाएं यहाँ उत्साह से हम सावन मनाने को उपस्थित हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बर्नवाल महिलाएं हमें योगदान दी, इसके चलते भी हम बहुत खुश हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सावन महोत्सव की प्रिपरेशन में आप भी शामिल हैं, तो कैसे कैसे सब कुछ आपने ऑर्गेनाइज किया? हम लोग के मन में बहुत दिन से था कि हम लोगों का एक लेडीज़ लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए, जो कि हम लोग आपस में बीच में मिलने जुलने का मौका मिलेगा और एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ धनबाद में रहते तो हैं लेकिन मिलना जुलना कम होता है, और हम लोगों का एक एंटरटेनमेंट भी होगा और हम लोग कुछ सामाजिक कार्य भी कर सकेंगे। इसी के वजह से हम लोग ने कोशिश की है कि एक मनोरंजक कार्यक्रम हो, उसमें हम लोग का मिलने जुलने का कार्यक्रम भी होगा और हम लोग एक दूसरे से मिल भी सकेंगे। थैंक यू। कहते हैं कि पति को रिझाने के लिए पत्नियां साल भर कोई ना कोई जुगाड़ आजमाती रहती हैं। सावन में पति को दीवाना बनाने के लिए क्या करती हैं यहाँ की महिलाएं, आइए पूछते हैं। नमस्कार मैम। मैम, कहते हैं कि सावन का मजा दोगुना हो जाता है अगर आपका चाहने वाला आपके साथ हो। बिल्कुल, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैम मैं यही बोल सकती हूँ, जैसे कि आपने बोला कि सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, सबको को मन मोहने वाला होता है, क्योंकि धीमी धीमी जो बारिश होती है, इसके साथ साथ सजना संवरना, मेहंदी लगाना, जैसे कि अभी हम लोग बर्नवाल समाज से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग का एक छोटा सा था कि हम लोग सबको एक गेट टुगेदर कर सके, जैसे कि और भी मैम लोग ने बताया। इसके अलावा अगर प्यार की बात की जाए तो ये तो स्पेशली हम लोग के लिए बोला जाता है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा, जैसे 12 महीने होते हैं एक साल में, 12 महीने हम लोग सजते हैं संवरते हैं, लेकिन स्पेशली सावन में बोलते हैं कि जिससे आप लोग सबसे ज़्यादा क्लोज है उनके लिए भगवान शिव से आप लोग प्रार्थना कीजिए, उनके लिए शुभकामनाएँ मांगिए, उसी के लिए हम लोग स्पेशल बोल सकते हैं। आज हम लोग जो तैयार भी हुए हैं, सबको अपने स्पेशल के लिए हुए हैं और खुद के लिए भी हुए हैं। महिलाएं सावन महोत्सव के इस अवसर पर अपने पति के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करती हैं? सावन का महीना पावन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। सावन का महीना पावन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। मोहब्बत बरसा सावन आया है, तेरी और मेरी मिलने का ये मौसम आया है। अपना बना के मुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार तुम पे पहली बार आया है। कंगन मजान देगा तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर बोल बम के नारे लगाते कावरिया, हर हर महादेव के नारे लगाते, जलाभिषेक करते शिव के भक्त,
श्रृंगार करती महिलाएं, मेहंदी रचाती लड़कियां, और ना जाने कितने ही रूप, सबके लिए सावन के अपने अपने रूप हैं। महिला मंच का सावन मनाने का क्या रूप है वो आपने देखा। हमने सुना कि महिलाओं के लिए सावन क्यों खास है, अब जानते हैं कि लड़कियों के लिए सावन क्यों खास है। नमस्कार मैम। सावन महोत्सव यहाँ चल रहा है, आप उसका पार्ट हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके लिए सावन क्यों खास है। एक्चुअली मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, बारिश की बूंदें बहुत पसंद है, हर तरफ हरियाली, ये सब सावन को और भी ज़्यादा खास बनाता है। मतलब आपको ये सब अच्छा लगता है सावन में। कहते हैं कि सावन में महिलाएं अपने पति के लिए सजती हैं, तो लड़कियां क्यों सजती हैं? हम खुद के लिए सजते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पति के लिए सजा जाए, हम अपनी खुशी के लिए तैयार होते हैं। आपने तो सुना ही होगा कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। सावन महोत्सव में हर वर्ष किचन क्वीन का कंपटीशन होता है। लगातार 3 वर्षों से किचन क्वीन का कंपटीशन जीतती आई अंजनी जी से आज हम मिलते हैं और जानते हैं कि क्या है उनके लिए सावन में खास। नमस्कार मैडम। मैडम आप लगातार 3 वर्षों से किचन क्वीन का कंपटीशन जीतती आई, तो क्या आपका दिन भर खाना बनाने में गुजरता है या सावन के तहत श्रृंगार भी करते हैं आप? हाँ, ये श्रृंगार करना भी मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर किसी को सुंदर दिखना ज़्यादा पसंद होता है, बट मुझे कुकिंग में स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट रहा है। बस मुझे सुंदर दिखना ही बहुत पसंद है क्योंकि सुंदरता है जो लोगों को खुश करती है। आप देखेंगे किसी को बहुत ज़्यादा जो सुंदर होंगे उनसे आपका मतलब एक अटैचमेंट हो जाता है, इसलिए सुंदरता भी मेरे लिए उतना ही मायने रखती है। बर्णवाल है। सावन खास इसलिए है क्योंकि यहाँ सावन में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है, और इसीलिए हम लोग गेटअप भी सारा हरियाली वाला बनाए हैं। और सावन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मौसम इतना सुहावना हो जाता है ना, और बारिश मुझे बहुत पसंद है, बारिश में भींगना। और सब हम लोग बहनें घर से निकल नहीं पाते हैं, यही सब मौका होता है कि घर बाहर निकले, इंजॉय करें, एक दूसरे से मिले। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सुनीता बर्णवाल मटकुरिया से आई हूँ। श्रावण का महीना साल में एक बार ही आता है, तो सभी से मतलब एक छोटा सा गेट टुगेदर करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि पूरे साल में एक बार मिलना तो ज़रूरी है। बिल्कुल, तो सभी के साथ मिलने का, आनंद लेने का, एंटरटेनमेंट का, नहीं तो फिर हम अपने घर की गृहस्थी के कार्य में इतने फंसे होते हैं, हमें समय नहीं मिल पाता एक दूसरे से मिलने का, आयोजन करने का, किसी चीज़ का कार्यक्रम करने का। इसलिए हम लोगों की एक छोटी सी सोच है कि इस कोशिश को और आगे बढ़ाया जाए। आगे डांडिया के लिए भी हम लोगों ने सोचा है,
तो उसमें भी प्रस्तुत करेंगे ही, कुछ ना कुछ आप लोगों को मिलेंगे। हरे परिधान में लिपटी महिलाएं, हाथ में मेहंदी रचाई महिलाएं, श्रृंगार करके घूमती महिलाएं, मार्केट में राखियों के दुकान पर राखी खरीदती बहनें, सब सावन है। मधुश्रावणी का पर्व हो या रक्षाबंधन या फिर सावन की सोमवारी ही, महिलाएं सावन में एक दिन भी जाया नहीं करती। मैम, सबसे पहले तो बोलना चाहूँगी कि सावन जितना खूबसूरत है उसकी खूबसूरती आपके चेहरे पर झलक रही है। मैम, सावन सबके लिए स्पेशल होता है, आपके लिए सावन क्यों स्पेशल है? देखिए, एक्चुअली हम लोग क्या है, हाउसवाइफ है, हम लोगों को उतना घर में काम, बच्चे, घर, पढ़ाई लिखाई कराते रहो, इसी पे जाता है। कभी कभी इस तरह का कुछ माहौल होता है तो हम सभी एक दूसरों को जान पाते हैं, कुछ गेट टुगेदर करने का मौका मिलता है, हम लोग कुछ हंसी मजाक कर लेते हैं, और होता था कि लाइफ में थोड़ा चेंजिंग, तो लाइफ बड़ा आसान लगता है, हंस बोल लेते हैं, तो इसलिए बहुत महत्व है सावन का। सावन उमंग है, सावन उत्साह है, सावन वो महीना है जब आपको खुश होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। बारिश की बूंदें आसमान से उतरकर धरती पे जो नूर बिखेरती हैं, सावन वो नूर लोगों के चेहरे पर लाता है। सावन एक बहाना है खुश रहने का, प्रकृति से जुड़ने का, मन में छुपे दबे एहसास को बाहर लाने का। दिनों बाद ये सावन महोत्सव मनाया जा रहा है, बीच में कोविड के कारण सावन महोत्सव का कहीं पे भी कार्यक्रम नहीं हो पाया था जी, तो आपके लिए सावन क्यों खास है? बिल्कुल, हम सबों के लिए सावन खास है क्योंकि सभी वुमेन ग्रीन साड़ी पूरी परिधान में तैयार होके आई हुई है। काफ़ी दिनों से वो लोग मिली जुली नहीं थी, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब मिलजुल के इंजॉय करेंगे। डांस का प्रोग्राम हो रहा है, संगीत भी किया जा रहा है, कजरी भी गाया जा रहा है, और सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। Cuando visita su abuela, si necesita una amiga, debe hablar con un ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todo. Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves. महीने में कहा जाता है कि भगवान शिव धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे, और ये भी मान्यता है कि हर साल सावन के महीने में शिव धरती पर आते हैं और अपने ससुराल जाते हैं, और ये एक अद्भुत संयोग बनाता है भक्तों को शिव की कृपा पाने का। आइए मिलते हैं एक और महिला से और जानते हैं कि उनके लिए सावन क्यों खास है। मेरे लिए सावन खास है बारिश का मौसम, रोमांटिक वेदर, ग्रीन साड़ी, ग्रीन चूड़ियाँ, मेकअप, शेकअप। आई लव सावन, बहुत पसंद है मुझे सावन। इनफैक्ट मुझे एक्टिंग का शौक है तो मैं वीडियो भी बनाती हूँ, तो सावन के गाने और क्या, मतलब सावन का मेरा फुल ऑफ मस्ती। और अभी तो मैं पहली बार ये अटेंड कर रही हूँ ये फंक्शन, तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सावन का महीना महिलाओं के लिए बहुत खास होता है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए सावन का महीना क्यों होता है खास, आइए जानते हैं। नमस्कार सर, सावन आपके लिए क्यों खास है? सावन का महीना ऐसे तो बहुत हरियाली वाला सीजन है जी, है ना जी। इस मौसम में पूरा पर्यावरण एकदम हरा भरा होता है जी। और इसमें मन चहकता है, मन गुनगुनाता है, और महिलाएं तो श्रृंगार करती हैं, हरा वस्त्र पहनती हैं, हरियाली लिए हुए लगता है, इसे प्रकृति एकदम, मतलब क्या बोलें, अजीब सा सौंदर्य आता है।
और मुझे तो यूँ अच्छा लगता है कि मैं NN हाई स्कूल बक्सुमा में साइंस टीचर था और मैं वहाँ से हेडमास्टर होकर के भी मैं रिटायर किया हूँ। और मैं जब भी जाता था वहाँ पर क्लास लेने के लिए तो एग्जैक्टली मैं मेहंदी लगा के जाता था, मेरी पत्नी लगाती थी तो मैं भी लगाता था, तो लड़कियाँ लोग क्लास में रहती थी बोले सर आप मेहंदी लगाएं, वाओ। खनकती चूड़ियाँ, छनकती पायल और माथे पर लाल बिंदियाँ, ये सब इन औरतों के श्रृंगार में कैसा था आपने देखा। महिला हो या पुरुष, इस बार इस भ्रम को तोड़िए कि सावन केवल महिलाओं का है, सावन प्रकृति का है और पुरुष और महिला दोनों प्रकृति के हैं। जैसे सावन की बरसती बूंदों को कोई थाम नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता, केवल साथ बह सकता है, उसी तरह इस बार सावन के साथ बह जाइए और जीवन का मजा लीजिए। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. My face while he's looking back. Mirror breaks after math. When